हेलो अगेन, हेलो हेलो एवरीबॉडी। तो सॉलिड स्टेट शुरू करते हैं। केमिस्ट्री 12th क्लास सभी लोग आ जाओ। आज अपन बहुत ही गहरी चीज़ें समझने वाले हैं। सॉलिड स्टेट में बहुत डीप इमेजिनेशन का यूज़ करेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है, पैकिंग जो होती है सॉलिड्स की, वो किस तरह से होती है, उसको आज समझने वाले हैं अपन। सॉलिड्स की पैकिंग से क्या मतलब है कि उसमें जो एटम्स होते हैं उनको किस तरह से अरेंज किया जा सकता है, वो आज अपन सीखने वाले हैं। तो सभी लोग आ जाओ। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हेलो, हाय सभी को। ओके काफी बच्चे आ गए। 5 मिनट का गैप ले लिया है हमने। 5 मिनट का गैप काफी है। आई होप कोई थके नहीं होंगे। तो सभी लोग आ जाइए, फिर शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं आज। तो आपका पूरा फुल अटेंशन चाहिए मुझे उस चीज को समझने के लिए। सॉलिड स्टेट में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, और सॉलिड स्टेट की जान है। जो आज मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो सॉलिड स्टेट का जान है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सॉलिड स्टेट को अगर पूरा का पूरा समराइज करना है तो आप इसे एक लेक्चर में सब कुछ समझ सकते हो। मैं आज आपको पैकिंग बताने वाला हूँ कि जो एटम्स है वो किस तरह से पैक होते हैं, एटम्स किस तरह से पैक किए जाते हैं, एटम्स को किस तरह से अरेंज किया जाता है आपके सॉलिड के फॉर्मेशन में। क्रिस्टल जो सॉलिड बनाते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जब फॉर्मेशन किया जाता है तो किस तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्मेशन के लिए किस तरह से हम एटम्स को अरेंज करते हैं, वो अरेंजमेंट कितने टाइप का होता है और उन अरेंजमेंट से क्या क्या हमें हासिल होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज वाला। और नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है उसमें दोनों में मैं आपको बहुत ही मस्त मस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा, जिससे आपका सॉलिड स्टेट का पूरा फंडा जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। मैं एक एक स्टेप बहुत ही स्लोली स्लोली लेने वाला हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे हम। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वजह से। तो आज अपन जो समझने वाले हैं वो है पैकिंग इन सॉलिड्स। हेडिंग लिख लीजिए, पैकिंग इन सॉलिड्स, ठोसों में संघनन। ठोसों में संघनन यानी कि पैकिंग, कैसे उनको संकुलित किया जाए। संघनन भी बोल सकते हैं या फिर संकुलन। ठोसों में संकुलन, हिंदी में इसको बोलते हैं संकुलन, ठोसों में संकुलन। यानी कि कैसे उन्हें पैक किया जाए, कैसे आसपास रखा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो फर्स्ट टाइप आता है सॉलिड्स में पैकिंग का, वो आता है 1D पैकिंग, वन डायमेंशनल पैकिंग, 1D पैकिंग। यानी कि एक डायरेक्शन में पैक करना, एक ही डायरेक्शन में हम ठोस जो एटम्स हैं हमारे उनको पैक करने वाले। अभी देखो पैक करने का मतलब क्या है। पैक करने का, जैसे कार्टून में मुझे पैक करना है, बहुत सारे मेरे पास कुछ खिलौने हैं या कुछ छोटे छोटे आइटम्स हैं, उनको मुझे किसी एक कार्टून के अंदर पैक करना है। तो मैं पैक करने के मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, है ना। मैं हो सकता है कुछ खिलौनों को टेढ़ा रख दूँ, किस कुछ खिलौनों को सीधा रख दूँ, आड़ा टेढ़ा किसी भी तरह से रख के मैं उस कार्टून को पैक कर सकता हूँ। तो हम एटम्स को जब रखते हैं किसी क्रिस्टल सॉलिड को बनाने के लिए, एटम्स को जब प्लेस करते हैं तो हमारे पास भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे किसी कार्टून में अगर हमें बहुत सारे आइटम्स को रखना है तो उन आइटम्स को रखने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे ना। और हम क्या चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें एफिशिएंसी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑब्जेक्ट्स रख सकें, हमारी कोशिश यही रहती है। परंतु ऐसा कभी होता भी नहीं है। हो सकता है कि हम सारी एफिशिएंसी यूटिलाइज कर पाए, हो सकता है हम कम एफिशिएंसी यूटिलाइज कर पाए। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, पैकिंग की जा सकती है। तो उसी के आधार पे जो एटम्स हैं, एटम्स को भी रखने के कई सारे तरीके होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्मेशन में। सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है 1D पैकिंग, एक विमीय संकुलन। 1D पैकिंग में क्या होता है, सिंपल सा है पैकिंग। इसमें हम एक एटम के बाद दूसरा एटम रख रहे हैं। इस तरह का जो अरेंजमेंट है वो क्या कहलाता है, 1D पैकिंग कहलाता है, एक विमीय संकुलन कहलाता है। आगे आके एटम्स और बढ़ते जाएंगे, इस टाइप का जो पैकिंग है वो कहलाता है 1D पैकिंग, एक विमीय संकुलन। ठीक है, इस एक विमीय संकुलन में एक एटम की बात करें तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो कितना होगा। इस एटम का मैं देखूं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, एक एटम दो एटम को टच करता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2 होता है। ये एक हाइपोथेटिकल पैकिंग है,
दुनिया में ऐसी पैकिंग एक्चुअल में नहीं मिलती। जो हमें पैकिंग मिलती है वो थ्री डायमेंशनल पैकिंग मिलती है। फिर भी मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, वन डी पैकिंग इस तरह से ली जाएगी। सबसे पहले हम एक लेयर में एटम रखेंगे, ठीक है। लेयर में एटम रख दिया, इस तरह से लाइन में एटम रख दिया। सबसे पहले हमने लाइन में एटम रखने के बाद हम एक प्लेन में एटम रखेंगे। हमारा पैकिंग करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, सबसे पहले तो हमने एक लाइन बनाई, लाइन के बाद हम क्या करेंगे, प्लेन बनाएंगे। प्लेन बनाने के बाद हम क्या बनाएंगे, एक थ्री डायमेंशनल यूनिट बनाएंगे, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक लाइन बनाई, इस लाइन में एक एटम के बाद दूसरा एटम, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इस तरह का अरेंजमेंट जो है वो क्या कहलाता है, वन डी पैकिंग कहलाता है। ये बात नोट कर लीजिए। आगे मैं दूसरा टाइप ऑफ पैकिंग लेता हूं, देखते हैं। नहीं, स्टार्टिंग से नहीं करा रहे, पर जिस जो भी ये लेक्चर पहली बार देख रहा है उसको ये समझ में आ जाएगा, है ना। स्टार्टिंग से नहीं करा रहा हूं मैं, पर ये जो पहली बार भी देख रहा है उसको भी ये पैकिंग वाला फंडा जो है वो समझ में आ जाएगा। हालांकि आपको थोड़ा बहुत यूनिट सेल के बारे में पता हो, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, जो हमने यूनिट सेल पढ़ी थी वो आपको पता हो, तो उससे आपको और अच्छा बेनिफिट मिलेगा। हाँ, ये क्लास लाइव होती है रोजाना इसी टाइम। सभी को गुड इवनिंग। ओके, सभी लाइव क्लास अटेंड किया करें। ओके, यस, ये हो गया वन डी क्लोज पैकिंग। वन डी पैकिंग बोलेंगे इसको, क्लोज पैकिंग भी बोल सकते हैं क्योंकि एटम्स क्लोज है, तो वन डी क्लोज पैकिंग हो गया। आई बात समझ में, इसको नोट कर लिया। अब अपन सीधा चलते हैं 2D क्लोज पैकिंग पे। 2D क्लोज पैकिंग, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है सॉलिड स्टेट के हिसाब से। इसमें आपको सॉलिड स्टेट का जो अंदरूनी हिस्सा है पूरा का पूरा वो क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये चैप्टर बना कैसे, क्यों बना ये चैप्टर। तो 1D पैकिंग में एक एटम के बाद एक एटम रख दिया। अब लेते हैं 2D पैकिंग, सेकेंड टाइप ऑफ पैकिंग है 2D पैकिंग। 2D क्लोज पैकिंग ले लेता हूं इसका नाम। टू डी पैकिंग पे आते हैं। देखो, 2D क्लोज पैकिंग के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। अब मैं एक एटम तो इधर रखू, ऐसे ऐसे इस एटम के जस्ट नीचे एटम रखता जाऊं। ध्यान से समझना इस बात को, इस एटम के जस्ट नीचे मैं एटम्स रखता जाऊं, एक तो मेरे पास ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, इन दोनों एटम्स के बीच में एक एटम रखू, यहां पे एटम रखूं। दोनों में देखो अंतर समझ में आया। एक तो मैं पहला तरीका तो क्या कर रहा हूं, पहले तरीके में मैंने क्या किया, एक एटम के नीचे एटम रखता गया, एक एटम लिया उसके नीचे दूसरा एटम ले लिया। फर्स्ट जो तरीका है, एक एटम के नीचे एटम, ऐसे मैं इन दोनों के बीच में एटम नहीं रख रहा, इस तरह से रख रहा हूं। तो इस अरेंजमेंट को मैं फॉलो कर रहा हूं ऐसे, इस टाइप का। यहां पे मैं एटम को बीच में नहीं रख रहा हूं, तो इस तरह का जो यहां पे एक अरेंजमेंट बनेगा, यहां पे स्क्वायर्स बनेंगे। देखो, अगर मैं एटम्स को कनेक्ट करूं तो मुझे एक स्क्वायर मिलेगा। तो इस तरह का अरेंजमेंट जो होता है इसको बोलते हैं स्क्वायर टू डी पैकिंग। ये फर्स्ट टाइप ऑफ 2D पैकिंग है जिसमें हम इसे हम स्क्वायर 2D क्लोज पैकिंग या फिर स्क्वायर 2D पैकिंग कहते हैं। इसमें हम दो एटम्स के जस्ट नीचे हम क्या कर रहे हैं, एटम्स को रखते हुए जा रहे हैं। तो इस तरह का अरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ पे एटम्स को जब हम कनेक्ट करते हैं तो स्क्वायर का फॉर्मेशन होता है, इस वजह से क्या बोले, स्क्वायर 2D पैकिंग बोल देंगे। इस 2D क्लोज पैकिंग का जो दूसरा पार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इन दो एटम्स के बीच में एटम रख रहे हैं, देखो देखो, मैं उस दूसरा वाला अरेंजमेंट बनाता हूँ, उसका नाम मैं बाद में लिखूंगा, पहले उस अरेंजमेंट को आपको विजुलाइज करना है। यहां पे अंतर समझ में आया दोनों में, पहले वाले में क्या किया मैंने, एटम के नीचे ही रख दिया, अब मैंने दोनों एटम्स के बीच में रखा इस तरह से। ये अरेंजमेंट ले रहा हूं, ये अरेंजमेंट,
ये तो फर्स्ट वे है, फर्स्ट वे में मैंने एटम्स के नीचे एटम्स रखा, तो इस तरह से जो मुझे पैकिंग मिली उसे क्या नाम दिया मैंने, 2D क्लोज पैकिंग नाम, टू स्क्वायर 2D क्लोज पैकिंग, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर्स बन रहे हैं जब हम एटम्स को टच कर रहे हैं। अब ये वाला जो पैकिंग है, इस वाले पैकिंग में हमने दो एटम्स के बीच एटम, दो एटम के बीच एटम, दो एटम के बीच एटम, फिर इन दोनों एटम के बीच एटम, इन दोनों के बीच एटम, इन दोनों के बीच में एटम, तो इस तरह का अरेंजमेंट आया। इस वाले में जगह ज्यादा खाली रहेगी, इस वाले में जगह थोड़ी कम खाली रहेगी, यानी कि ये पैकिंग ज्यादा एफिशिएंट है, ये पैकिंग ज्यादा क्लोज है, और ये पैकिंग थोड़ी एफिशिएंट कम है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा खाली जगह रह जाएगी। यहाँ पे तो स्क्वायर 2D क्लोज पैकिंग बना है, और ये वाला जो पैकिंग बनेगा इसको देखो नाम क्या देंगे, मैं अगर इस एटम को, इस एटम को, इस एटम को, इस एटम को, इन एटम्स को कनेक्ट करूं आपस में, तो ये क्या बन रहा है, एक हेक्सागोनल बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा, ये एक हेक्सागोनल बनता है। इस हेक्सागोनल की वजह से इस टाइप का जो 2D पैकिंग है, इस 2D पैकिंग को बोलते हैं हेक्सागोनल, हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग, इस पैकिंग को नाम दिया जाता है हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग। ये नाम आप नोट कर लोगे, डायग्राम बना लोगे। एक और चीज यहां पे, इस पैकिंग में ये एटम अपने आसपास कितने एटम को टच कर रहा है, 1, 2, 3, 4, तो स्क्वायर 2D क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा हमारा 4। इस डायग्राम के नीचे एक पॉइंट लिख लोगे, ये एटम कितनों को टच कर रहा है, 1, 2, 3, 4, चार एटम को टच कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। इस वाले केस में ये एक एटम देखो कितनों को टच कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो दो तरह के हमने 2D क्लोज पैकिंग पढ़े, एक तो है स्क्वायर 2D क्लोज पैकिंग और दूसरा है हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग। तो ये दोनों पैकिंग्स के डायग्राम बना लीजिए, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। हाँ जी, इसमें किसी को कोई डाउट, आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर किसी को समझ में नहीं आया हुआ तो पूछ लीजिए दोबारा, मैं बार बार रिपीट भी करता हूँ इसकी डेफिनेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एक एटम कितने दूसरे आसपास के एटम को टच कर रहा है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे ये 4 है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग, और ये हो गया हमारा स्क्वायर 2D क्लोज पैकिंग। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इस लेक्चर में ये वाला और इसके आगे वाला लेक्चर, इन दोनों लेक्चर में आपको सॉलिड स्टेट नामक ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आखिर हमें क्यों जरूरत पड़ी ये सारा सब कुछ जानकारी बनाने का, आपको सिंपल क्यूबिक समझ में आ जाएगा, आपको बॉडी सेंटर जो BCC स्ट्रक्चर होती है वो समझ में आ जाएगी, आपको फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर वो भी समझ में आ जाएगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये दो टाइप के 2D क्लोज पैकिंग हमारे पास हो गए, एक तो हो गया स्क्वायर 2D क्लोज पैकिंग और दूसरा हो गया हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग। ये आप अपनी नोटबुक में बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर डायग्राम के साथ नोट कर लीजिए। अब मैं तीसरा 3D क्लोज पैकिंग में जाने वाला हूँ। पहले 1D पढ़ा, 1D में तो एक लाइन बनी, 2D में दो ऑप्शन थे, दोनों ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लिया, एक तो स्क्वायर 2D क्लोज पैकिंग हो गया, एक हेक्सागोनल 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो गया। अब देखो 3D क्लोज पैकिंग में चलेंगे, देखो 3D क्लोज पैकिंग में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। सब मैं तीसरा पार्ट ले रहा हूं इसका, 3D क्लोज पैकिंग में चलते हैं। यहां पे देखो एक सॉलिड स्टेट की नई दुनिया खुलने वाली है, एक अलग ही आप चीज देखोगे, अलग ही इमेजिनेशन में आपको ले जाके जाऊंगा मैं, एक नई दुनिया खुलने वाली है यहां पे 3D क्लोज पैकिंग में। ये अगर आप 3D क्लोज पैकिंग को इमेजिनेशन कर पाए, हालांकि कर जाओगे, मैं एक एक स्टेप को बहुत ही धीरे धीरे लेने वाला हूँ, एक एक स्टेप को मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इस पूरे चैप्टर का जान है, चैप्टर का सारा चीज यहीं पे ही है। अगर ये चैप्टर के ये पार्ट आपको एकदम पूरा इमेजिनेशन में बैठ गया, फिट हो गया, तो आपको ये सॉलिड स्टेट चैप्टर बढ़िया एकदम आसान रहेगा, मजा आएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है आपको। 3D क्लोज पैकिंग की बात करते हैं, 3D क्लोज पैकिंग में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो 3D क्लोज पैकिंग में मैं एक बार इसको हटा देता हूं,
हम 3D क्लोज पैकिंग ले रहे हैं। 3D क्लोज पैकिंग में भी बहुत सारे जो केसेस होते हैं उनमें सबसे पहला केस लेते हैं, हेडिंग लिख लेना, थर्ड टाइप ले रहे हैं, 3D क्लोज पैकिंग। 3D क्लोज पैकिंग में सबसे पहला केस लेते हैं कि हम 3D क्लोज पैकिंग कैसे बना रहे हैं, हम 2D क्लोज पैकिंग का सहारा लेने वाले हैं। देखो 1D से गए 2D, पहले 1D गए, 1D से 2D जाने के में हमारे पास दो ऑप्शन थे, सॉरी 1D से 2D में जाने के दो ऑप्शन, दोनों एक्सप्लोर कर लिए। अब 3D जाने के भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। 3D में हम या तो इस स्क्वायर 2D क्लोज पैकिंग का सहारा लेके जाएं या फिर हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग का सहारा लेके जाएं, हमारे पास दो ऑप्शन है। 3D में जाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो है कि हम स्क्वायर 2D क्लोज पैकिंग जो ये लिया है इसको हम 3D में बनाएं, इसकी को कंटिन्यू करते आगे 3D में बनाएं। और एक ऑप्शन है हमारे पास, हम हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग को सहारा लेते हुए हम यहाँ पे 3D क्लोज पैकिंग बनाएं। तो हमारे पास दो रास्ते हैं यहाँ पे। तो हमने पहला रास्ता चूज किया बाय यूजिंग स्क्वायर 2D क्लोज पैकिंग। तो पहला रास्ता कौन सा चूज किया, ये वाला कि हम स्क्वायर 2D क्लोज पैकिंग को चूज करते हुए हम हमारी 3D क्लोज पैकिंग बनाने वाले हैं बाय यूजिंग स्क्वायर 2D क्लोज पैकिंग। हमारे पास ये भी ऑप्शन है हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग को चूज करने का, वो हम नेक्स्ट में चूज करेंगे। अभी हम पहले कौन सी चूज करें, बाय यूजिंग स्क्वायर 2D क्लोज पैकिंग। तो देखो स्क्वायर 2D क्लोज पैकिंग में अब यहां पे जब आए ना, ध्यान से समझना मेरी बात को, थोड़ा बहुत भी ध्यान इधर उधर मत करना, थोड़ा बहुत भी ध्यान इधर उधर करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा फिर। तो ध्यान इधर उधर मत करना, पूरा ध्यान इधर रखना बोर्ड पे। स्क्वायर 2D क्लोज पैकिंग जो ये वाली पैकिंग, इसको यूज करने के भी दो तरीके हैं। दो तरीके कौन कौन से हैं, सबसे पहला तरीका मैं ए पार्ट बोल देता हूं इसको। सबसे पहला तरीका है कि एटम्स को जो मैं सेकंड लेयर बनाऊंगा, जैसे यहां पे एटम रखने हैं, ये फर्स्ट लेयर होगी, इसके ऊपर एटम रखने, फिर उसके ऊपर एटम, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, तो उससे हमारे पास 3D क्लोज पैकिंग का एक पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा। तो मैं पहला केस क्या कर रहा हूं यहां पे, मैं इसी एटम के ऊपर एक एटम रख देता हूं, है ना। पहला केस क्या है, इन 3D एटम्स आर जस्ट अबव द फर्स्ट लेयर। पहला केस हमने क्या लिया कि जो एटम्स हैं सेकंड लेयर वाले उनको मैंने क्या रखा, फर्स्ट लेयर के एटम्स के जस्ट ऊपर ही रख दिया। ये फर्स्ट केस लिया है। फर्स्ट केस में मैं क्या करूं, एटम्स को इनके जस्ट ऊपर ही रख दिया। देखो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती, मैं यहां पे रखता, ये जो रिक्तिकाएं हैं, ये जो खाली जगह है, यहां पे भी तो रख सकता था ऐसे, ये भी रख सकता हूं, ये मैं अभी दूसरे केस में बताऊंगा। पहला केस क्या बताया, एटम के ऊपर एटम, एटम के ऊपर एटम, एटम के ऊपर एटम, ये फर्स्ट केस लिया। यानी कि ये हमारा स्क्वायर 2D क्लोज पैकिंग है, इसके ऊपर मैं और एटम रख देता हूं। तो देखो मैं उस एटम को कैसे दिखा रहा हूं, इस अलग कलर की चौक से मैं दिखा रहा हूं। व्हाइट कलर का एक एटम पड़ा हुआ है, उसके ऊपर एक ऑरेंज कलर का एटम, इसके जस्ट ऊपर ही रख दिया। व्हाइट कलर का एटम रखा हुआ है, इसके जस्ट ऊपर मैंने क्या रख दिया, एक ऑरेंज कलर का एटम रख दिया। इसको ऐसे समझना आपको, ये फर्स्ट ऑप्शन हमने एक्सप्लोर किया स्क्वायर 2D क्लोज पैकिंग को 3D क्लोज पैकिंग में कन्वर्ट करने के लिए। ये देखो समझ में आई बात, नीचे व्हाइट चौक वाले जो एटम्स हैं ऐसे इमेजिन करना, उसके ऊपर जस्ट ऊपर क्या रख दिया मैंने, ऑरेंज चौक वाले एटम्स रख दिए। तो इस तरह से जो यूनिट जो पैकिंग बनी है, इस पैकिंग की खासियत क्या होगी इसको देखो समझते हैं। अभी देखो यूनिट सेल लेके आता हूं वापस मैं। अगर आप गौर से देखो तो ये तो चार एटम हो गए, और नीचे वाले चार एटम, तो ये चार ऊपर वाले और चार नीचे वाले मिलके एक जो यूनिट सेल बना रहे हैं। यहां पे देखो, अगर एक यूनिट सेल आप देखना चाहो तो एक यूनिट सेल देख सकते हो। ये यूनिट कौन सेल कौन सी है, ये यूनिट सेल है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, साधारण घनीय एकक कोष्ठिका, साधारण घनीय एकक कोष्ठिका। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता था, एक क्यूब लेते थे, क्यूब के कॉर्नर्स पे क्या होते हैं, आठ एटम्स होते हैं। देखो ये चार एटम ये और चार नीचे वाले, तो ये कौन सा यूनिट सेल देगा हमें, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देगा।
यानी कि स्क्वायर टू डी क्लोज पैकिंग से। मेरी बात को एकदम पूरा पिन टू पिन, वर्ड टू वर्ड, केवल कान में ध्यान से सुनना। एक भी वर्ड अगर मिस हो गया तो आपको पूरा का पूरा ये इमेजिनेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी। तो इमेजिनेशन में दिक्कत नहीं है, मेरे वर्ड को ध्यान से सुनना कि अगर मैं 2D क्लोज पैकिंग को लेते हुए अगर फर्स्ट लेयर के एटम्स के जस्ट ऊपर ही सेकेंड लेयर के एटम रखता हूँ, तो फर्स्ट ऑप्शन को मैं जब एक्सप्लोर किया तो उस पैकिंग का जो यूनिट सेल होगा वो कौन होगा, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा। समझ पा रहे हो यहाँ पे? अगर मैं फर्स्ट लेयर के एटम के जस्ट ऊपर एटम्स रखता हूँ तो उसका जो यूनिट सेल आएगा वो क्या आएगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आएगा। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी हमने निकाली है 52%। हमने कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, हमने ये भी निकाला है। सिंपल क्यूबिक में एक एटम कितने दूसरे एटम को टच करता है, 6 एटम्स को टच करता है ना। तो सारी बातें वो सिंपल क्यूबिक वाली यहाँ पे लागू हो जाएगी। पैकिंग एफिशिएंसी इसकी कितनी आ जाएगी, पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी 52%। ये हमने सिंपल क्यूबिक में निकाल रखा है, कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 6। ये सारी बातें वापस यहाँ पे हम रिपीट कर रहे हैं। इस तरह से सिंपल क्यूबिक का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को अगर समझ में नहीं आया तो मैं वापस एक बार और स्टेप ले सकता हूँ, क्योंकि आगे जो हम करने वाले हैं, इस वॉइड के ऊपर एटम रखेंगे यहाँ पे जब रखेंगे, और फिर सेकंड लेयर में तो वॉइड्स में रखेंगे, फिर थर्ड लेयर में वापस और एटम रखेंगे, तब हमें जो यूनिट सेल मिलेगी वो मिलेगी BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मिलेगी, जिसकी एफिशिएंसी होती है 68%, पैकिंग एफिशिएंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। तो पहली हमें सिंपल क्यूबिक यहाँ पे मिल चुकी है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इस तरह से फॉर्म होती है। अब हम लेते हैं दूसरा केस, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। ओके, ये आई बात समझ में। अब आगे चलते हैं। ये है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, किस तरह से एक्सप्लोर किया है हमने, जो स्क्वायर टू डी क्लोज पैकिंग थी उनके एटम्स के जस्ट ऊपर हमने एटम्स रखे, और उस अरेंजमेंट का जो यूनिट सेल था वो कौन बना, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। उस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी 52%, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, ये बातें इस पैकिंग के लिए लागू हो जाएगी। तो ये तो था फर्स्ट एक्सप्लोर, हमने फर्स्ट ऑप्शन को एक्सप्लोर किया। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में हम क्या करेंगे, ये जो वॉइड्स है, ये खाली जगह जो है, यहाँ पे हम एटम्स रखने वाले हैं। तो देखो बने रहना इस पॉइंट के साथ, नेक्स्ट ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं, इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमने क्या करेंगे, एटम्स ऑफ सेकंड लेयर आर प्लेस्ड ऑन वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर। इसमें क्या कर रहे हैं, हम स्क्वायर टू डी जो क्लोज पैकिंग है उसमें कर रहे हैं, एटम्स ऑफ सेकंड लेयर आर कैप्ट ऑन वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर। तो पहली जो लेयर है हमारी, पहली जो परत है, उस लेयर के जो वॉइड्स है, जो रिक्तिकाएं हैं, उनके ऊपर हम क्या रख रहे हैं, एटम्स को रख रहे हैं। देखना ध्यान से कैसे, मैं ये जो वॉइड्स है, ये वाले खाली जगह, यहां पे एटम रख रहा हूं। अब देखो उस एटम को मैं रख के थोड़ा सा कंप्रेस कर देता हूं, अगर उस एटम को रख के मैं थोड़ा सा धक्का दे दूं तो ये सारे जो एटम्स है वो क्या हो जाएंगे, थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे ना। इस बात को ध्यान से समझना, मैं इस वॉइड पे एटम रखूंगा, एटम जब रखूंगा तो ये सारे नीचे वाले जो लेयर के एटम से वो थोड़े थोड़े क्या हो जाएंगे, छीदे छीदे हो जाएंगे, अपने मारवाड़ी बोलते हैं ना, छीदे छीदे हो गए। तो ये एटम्स क्या हो जाएंगे, थोड़ा स्पेस गेन कर लेंगे, थोड़ा दूर दूर हट जाएंगे। जब मैं यहाँ पे इस वॉइड पे एटम रख के उसको दबाऊंगा तो ये सारे एटम क्या होंगे, थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे। तो देखो थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे, तो मैं पहली लेयर के एटम्स को थोड़ा थोड़ा दूर बनाता हूँ। ये पहली लेयर के एटम्स को मैंने थोड़ा थोड़ा दूर बनाया ऐसे, ये फर्स्ट लेयर बनाई है, मैं थोड़ा थोड़ा दूर बना रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैंने सेकंड लेयर के एटम जब रखा तो वो आगे आगे चले जाएंगे। अब देखो सेकंड लेयर के एटम बना रहा हूं, मैंने ग्रीन चौक ली, ये सेकंड लेयर के एटम हो गए ऐसे।
ये सेकंड लेयर के एटम हो गए। फर्स्ट लेयर के वॉइड्स में सेकंड लेयर के एटम रखे और उनको थोड़ा सा कंप्रेस किया तो फर्स्ट लेयर वाले एटम थोड़े थोड़े दूर हो गए। अब थर्ड लेयर देखो, इसमें थर्ड लेयर के एटम में पुनः क्या रख रहा हूं, यहां पे फर्स्ट लेयर के जस्ट एटम्स के ऊपर रख रहा हूं। थर्ड लेयर के एटम्स को मैंने फर्स्ट लेयर के एटम्स के जस्ट ऊपर रखा। देखो तीन लेयर बना चुका हूं मैं। तीन लेयर कौन कौन सी? फर्स्ट लेयर बनाई मैंने व्हाइट चॉक से। कैसे है उनका अरेंजमेंट? स्क्वायर टू डी अरेंजमेंट है, लेकिन थोड़ा सा जगह जगह दे दिया, थोड़ा सा स्पेस दे दिया उनको। दूसरी लेयर कहां बनाई मैंने? दूसरी लेयर के एटम्स को कहां रखा मैंने? जो वॉइड्स है हमारे उन पे रखा, जो खाली जगह है हमारी वहां पे रखा, वॉइड्स पे। तीसरी लेयर के एटम्स को कहां रखा? तीसरी लेयर एटम्स को मैंने जो फर्स्ट लेयर के एटम्स थे उनके जस्ट ऊपर रखा। अगर आप इस वाले पोर्शन को गौर से देखो, ये वाला पोर्शन अगर आप गौर से देखो तो आपको पता चलेगा कि कॉर्नर के चार एटम, फिर सेंटर पे एक एटम, फिर कॉर्नर के चार एटम। ये अरेंजमेंट कैसा है? ये बॉडी सेंटर अरेंजमेंट है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ये कौन सी यूनिट सेल होगी आपकी? अंतःकोष्ठिका, ये एक कोष्ठिका। तो बॉडी सेंटर्ड बीसीसी, काय केंद्रीय एक कोष्ठिका यूनिट सेल हो गई है। ये कौन सी हो गई हमारी? बीसीसी। तो इस तरह से जब हम स्क्वायर टू डी क्लोज पैकिंग का यूज वॉइड्स इस तरह से करते हैं कि जब सेकंड लेयर बनाएंगे तो उनको फर्स्ट लेयर के वॉइड्स में भरें, तो उस तरह से जो अरेंजमेंट मिलेगा वो कैसा अरेंजमेंट मिलेगा हमें उस अरेंजमेंट की जो यूनिट सेल मिलेगी वो मिलेगी हमें बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बीसीसी। और बीसीसी के बारे में जानकारी क्या क्या पता है? पैकिंग एफिशिएंसी होती है लगभग 68%, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। तो वो सारी जानकारी इस पैकिंग के लिए आ जाएगी ना। हमने स्क्वायर टू डी क्लोज पैकिंग के दो तरीके लिए, एक तो एटम्स के ऊपर एटम्स, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मिली। एटम्स के जो वॉइड्स हैं वहां पे एटम्स रखे, ठीक है, और उनको थोड़ा सा स्पेस दे दिया, तो उससे कौन सी मिले मुझे? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मिल जाएगी, बीसीसी मिल जाएगा, जिसका पैकिंग एफिशिएंसी कोऑर्डिनेशन नंबर हमें सब पता है। तो ये चीज नोट कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, इसमें कोई डाउट आया किसी को पूछ सकता है, किसी को कोई डाउट? यस, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे आया? अनिल ने पूछा है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे आया। अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है वैसे, पर बता देते हैं, कोई भी एक एटम पकड़ लो तो तुम क्या पाओगे कि एक एटम के ऊपर एटम 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहां पे एक एटम 6 एटम्स को टच कर रहा है, तो इस वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। वैसे सिंपल क्यूबिक में ये सारी चीजें हमने वहां पे भी देखी है कि सिंपल क्यूबिक का एक एटम जो है आसपास के 6 एटम्स को टच करता है, तो उस वजह से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है? 6 ही आता है, ठीक है। और कोई डाउट हो किसी को? इसमें बॉडी सेंटर, आप बॉडी सेंटर यूनिट सेल को यहां पे इमेजिनेशन से सीखिए, आप इमेजिनेशन से समझ सकते हो बॉडी सेंटर यूनिट सेल को। हमने क्या किया? 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग को एक्सप्लोर किया। दूसरा ऑप्शन कैसा रहा हमारा? हमने क्या किया? जो फर्स्ट लेयर के वॉइड्स है वहां पे हमने सेकंड लेयर के एटम्स को रखा। तो ये हो गया बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल यहां पे आ गया। तो ये दोनों डायग्राम आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट पे चलता हूं। ध्यान से सुनना एक एक वर्ड, आपको पूरा सॉलिड स्टेट चैप्टर के जितने भी चीजें हैं, सॉलिड स्टेट में देखो ये यूनिट सेल्स है, यही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उनको क्लोज पैकिंग में कैसे समझा जाए वो चीज मैं समझा रहा हूं। तो ध्यान से समझना पूरा का पूरा लेक्चर, ये एक एक वर्ड जो है ध्यान से सुनना। जरा भी इधर उधर मत होना। ये आ गई स्क्वायर 2D क्लोज पैकिंग से हमने 3D क्लोज पैकिंग दो तरह की बनाई, और उनके जो यूनिट सेल्स है पहले का तो है सिंपल क्यूबिक और दूसरे का है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हम 3D क्लोज पैकिंग की दो, देखो फर्स्ट कैटेगरी है बाय यूजिंग स्क्वायर 2D क्लोज पैकिंग, और उसमें भी दो ऑप्शन, एक तो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाने वाला और दूसरा है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बनाने वाला। तो स्क्वायर 2D क्लोज पैकिंग के जो ऑप्शन है हमारे पास खत्म हो चुके हैं। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है स्क्वायर 2D क्लोज पैकिंग से कोई अलग तरह का हम क्रिस्टल बना पाए। तो अब हम लेते हैं सेकेंड, जो हमारा 2D क्लोज पैकिंग था वो था हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग, तो उसे लेते हैं।
सेकंड लेते हैं हम बाय यूजिंग 3D क्लोज पैकिंग बना रहे हैं, लेकिन हम यूज क्या करेंगे बाय यूजिंग ये फर्स्ट केस ही ले रहे हैं बाय यूजिंग हेक्सागोनल, ये सेकंड केस हो गया। पहला केस यूज किया बाय यूजिंग स्क्वायर 2D क्लोज पैकिंग, अब यूज कर रहे हैं बाय यूजिंग हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग। तो ये ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं हम। हम क्या यूज कर रहे हैं, हम हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग जो है उस ऑप्शन को यहां पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो देखो इसको ध्यान से सुनना, ये वाला आपको एक कान खड़े कर देगा, एकदम पूरा सचेत हो जाना, क्योंकि ये जो क्लोज पैकिंग है इसी में ही पूरा सार यहां पे छिपा हुआ है इस सॉलिड स्टेट चैप्टर का, यूजिंग हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी हमने, एटम्स थे और एटम्स के जो दूसरी लेयर बनाने में हमने क्या किया था, उनके बीच की जो खाली जगह थी वहां पे एटम्स को रखा था, तो वहां से क्या आई थी हमारी 2D क्लोज पैकिंग आई थी, हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग आई थी। आई बात समझ में, हम उसी चीज को यूज करने वाले हैं। उसमें भी देखो अलग अलग तरीके होंगे, वो तरीके क्या क्या है वो सीखते हैं अपन। पहले तो मैं हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग बना लूं, ये रही हमारी हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग। एक मिनट, थोड़ा जगह अच्छी होएगा मुझे ध्यान से सीखने, एक एक चीज को, एक भी चीज मिस हो गई तो हमें बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने बनाई हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग, आप भी अपनी कॉपी में बनाइए, हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग बना लीजिए अपनी कॉपी में। ये मैंने हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग बना ली, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जो 2D क्लोज पैकिंग के दो टाइप थे, स्क्वायर 2D क्लोज पैकिंग और दूसरा था हेक्सागोनल, तो ये हेक्सागोनल वाला बना लिया। ठीक है, अब देखिए इसमें दो तरह के अरेंजमेंट होंगे। कैसे अरेंजमेंट होंगे, अब देखो क्योंकि ये क्लोज पैकिंग है, तब मैं अब यहां पे एटम्स रखा हुआ है, यहां पे एक वॉइड है और यहां पे दूसरा वॉइड है, ये जो वॉइड है ये ट्रायंगुलर वॉइड है, ये एक त्रिभुजाकार आकृति का एक रक्ति का है, ये ट्रायंगुलर वॉइड अपर ट्रायंगुलर वॉइड है और ये ट्रायंगुलर वॉइड लोअर ट्रायंगुलर वॉइड, अपर लोअर इस तरह से अल्टरनेट अपर लोअर नेचर के ट्रायंगुलर वॉइड है। पहले तो आप ये चीज आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि देखो यहां पे चीजें बड़ी गहराई में जाने वाली है, तो गहराई में उतरने के लिए अपन को बड़ा ही सतर्क रहना पड़ेगा, सतर्क रहना है, इसलिए मैं एकदम स्लो ले रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं करना अपन को, ये चीज अपन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है जो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं। यहां पे ये क्या बनाया मैंने, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बना लिया। ठीक है, इसमें देखो इसमें भी दो ऑप्शन होंगे, वो दोनों ऑप्शन कौन कौन से वो सीखने हमें। यहाँ पे देखो ट्रायंगुलर वॉइड अपर ट्रायंगुलर वॉइड है, ये लोअर ये अपर, ये लोअर ये अपर ये लोअर, यहाँ पे ट्रायंगल अपर साइड बन रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल लोअर साइड बन रहा है, तो इस वॉइड को नाम देते हैं अपर ट्रायंगुलर वॉइड, अपर ट्रायंगुलर वॉइड, ऊपरी त्रिभुजाकार रिक्ति का, और ये जो ट्रायंगुलर वॉइड है दूसरा इसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर वॉइड। ये पहले दो नाम लिख लीजिए, अपर ट्रायंगुलर वॉइड एंड लोअर ट्रायंगुलर वॉइड, ये आपने अपनी कॉपी में बना ली क्या, आपकी कॉपी में आपको बनाना, ये प्रैक्टिस करना है, आप अपने हाथ से बनाओगे तब आपको ये चीजें और ज्यादा क्लियर होगी। अपर ट्रायंगुलर वॉइड ऊपर वाला, ये लोअर ट्रायंगुलर वॉइड नीचे वाला, अपर एंड लोअर दो तरह के ट्रायंगुलर वॉइड हो गए। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, मैं यहां पे एटम रख देता हूं अपर ट्रायंगुलर वॉइड में, सेकंड लेयर बनाए, हम सेकंड लेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं,
तो सेकंड लेयर को बनाने के लिए ये मैं अपर ट्रायंगलोइड और लोअर ट्रायंगलोइड मिटा देता हूं, क्योंकि मुझे यहां पे थोड़ी सी जगह की जरूरत पड़ेगी। आप अपने नोट्स में ये बात लिख लेना, ये अपर ट्रायंगलोइड, ये लोअर ट्रायंगलोइड, ये मैंने हटा दिए, मेरे को केवल नाम बताने थे, वो आप देख लिए। अब मैं जब अपर ट्रायंगुलर वॉइड बोलूं तो समझ जाना मैं किसका नाम ले रहा हूं, और लोअर ट्रायंगुलर वॉइड बोलूं तो किसका नाम ले रहा हूं, ये भी समझ जाना, अपर ट्रायंगुलर वॉइड एंड लोअर ट्रायंगुलर वॉइड। सबसे पहले सेकंड लेयर बनाने के लिए मैं ग्रीन चौक यूज कर रहा हूं। सेकंड लेयर के एटम्स को रखने के लिए मैंने क्या किया, अपर ट्रायंगुलर वॉइड पे एक एटम रख दिया। कहां पे रखा मैंने, अपर ट्रायंगुलर वॉइड पे एटम रखा। जब मैं अपर ट्रायंगुलर वॉइड पे एटम रखूंगा, अब लोअर ट्रायंगुलर वॉइड पे एटम रखने की गुंजाइश मेरे पास नहीं बचेगी। यहां पे मेरे पास जगह नहीं रहेगी कि मैं यहां पे लोअर ट्रायंगुलर वॉइड पे एक एटम और रख सकूं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले मैंने रखा अपर ट्रायंगुलर वॉइड पे एक एटम सेकंड लेयर पे। दूसरी परत बनानी है मेरे को, दूसरी एटम्स की श्रृंखला बनानी है, तो मैंने एक एटम रख दिया। अब मुझे सारे अपर ट्रायंगुलर वॉइड पे ही एटम रखने पड़ेंगे, लोअर ट्रायंगुलर वॉइड पे मेरा काम नहीं बनेगा, वहां पे मैं रख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि देखो ये फिल हो नहीं पाएंगे यहां पे, ठीक है। तो ये अपर ट्रायंगुलर वॉइड फिर यहां पे रख दिया सेकंड लेयर को, फिर यहां पे रख दिया सेकंड लेयर को, फिर यहां पे रख दिया, फिर यहां पे रख दिया ऐसे। ये देखो यहां पे मामला कॉम्प्लेक्स हो रहा है, यहां पे थोड़ा चीजें कंफ्यूजिंग हो रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि चीजें ध्यान से सुननी है। मैंने यहां पे क्या किया, अपर ट्रायंगुलर वॉइड्स जो है वहां वहां पे एटम रखे। आप भी अपने कॉपी में जो डायग्राम बनाए हो, पहले फर्स्ट लेयर आपने बना ली होगी, अब सेकंड लेयर में आपको क्या करना है, केवल अपर लेयर के जो वॉइड्स हैं वहीं पे ही एटम्स रखने हैं। तो आप देखोगे कि लोअर ट्रायंगुलर वॉइड जो है वो खाली रह रहा है, ये देखो लोअर ट्रायंगुलर वॉइड खाली रह गया, उसमें अपन रख ही नहीं पा रहे क्योंकि वहां पे जगह नहीं बची, वहां पे इतनी जगह नहीं है कि हम लोअर ट्रायंगुलर वॉइड को फिल कर सकें। तो पहला हमने क्या किया, सेकंड लेयर बना दिया। ये सेकंड लेयर को विजुलाइज कर पा रहे हो आप लोग, मैंने ग्रीन चौक का यूज किया है। आपको अपने इमेजिनेशन का पूरा पूरा सहारा लेना है। सेकंड लेयर बनाने के लिए मैंने अपर ट्रायंगुलर वॉइड्स को यूज किया है। आगे बढ़े, अब देखो अब यहां पे कहानी और उलझने वाली है। मैं थर्ड लेयर पे आऊंगा, जब थर्ड लेयर बनाऊंगा, थर्ड लेयर बनाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन होंगे, वो दोनों ऑप्शन देखो क्या क्या है, समझना इस बात को। मैं थर्ड लेयर जब बनाऊंगा तो आई विल हैव टू ऑप्शंस। सेकंड लेयर बनाने के बाद देखो, फर्स्ट लेयर जब बनाया था तब मेरे पास दो तरह के वॉइड थे, एक था अपर ट्रायंगुलर वॉइड और एक था लोअर ट्रायंगुलर वॉइड। एकदम ध्यान से सुनना ये बात, यहां पे मामला कंफ्यूजन में तकरा जाने वाला है, पूरा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, और यहां पे सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पूरा ध्यान यहीं पर रखना, एकदम एकाग्रचित होकर मेरी बात को ध्यान से सुनना, और ध्यान से सुनोगे आपको समझ में आ जाएगी। समझ में आ जाएगी ना तो आपको वाव फील होगा, नहीं आया तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो इस वजह से ध्यान से सुनना मेरी बात। हमने पहली लेयर में देखा अपर ट्रायंगुलर वॉइड और क्या था, लोअर ट्रायंगुलर वॉइड, दो तरह के ट्रायंगुलर वॉइड थे हमारे पास। अब सेकंड लेयर बनाई, सेकंड लेयर बनाने के लिए अगर मैं सेकंड लेयर के एटम्स में एटम्स को अपर ट्रायंगुलर वॉइड में रख देता हूं, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो अपर में रखूं या लोअर में रखूं। यहां पे कंडीशन हो रही है, दिक्कत ये आ रही है कि अगर मैं अपर ट्रायंगुलर वॉइड में रखता हूं तो लोअर वाला नहीं रख सकता, और लोअर वाले में रखता हूं तो अपर वाला नहीं रख सकता। यहां पे दिक्कत ये है, मैं दोनों साथ में नहीं रख सकता, या अपर और लोअर दोनों में नहीं रख सकता, केवल अपर वाले में रख सकता हूं या केवल लोअर। मान लो मैंने चूज किया अपर वाले ट्रायंगुलर वॉइड्स में रखना है, तो अपर वाले ट्रायंगुलर वॉइड्स में मैंने सेकंड लेयर को रख दिया। अब थर्ड लेयर के आइटम रखने, उसमें देखो क्या दिक्कत आने वाली है। मैं यहां पे थोड़ा और बना देता हूं इसको, ये सेकंड लेयर के आइटम्स हैं। अब देखो थर्ड लेयर जब बनाने वाला हूं मैं, थर्ड लेयर के आइटम्स जब मैं रखने वाला हूं तो उसके लिए देखो दिक्कत क्या आएगी। यहां पे मेरे पास देखो दो तरह के वॉइड्स मिलेंगे, एक तो देखो ये खाली जगह है, जो पहली लेयर में लोअर ट्रायंगुलर वॉइड था वो अभी भी खाली है, और दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, यहां पे ये जो है एक नया ट्रायंगुलर वॉइड बना है दूसरी लेयर के कारण। मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी जब सेकंड लेयर क्रिएट हो चुकी है, सेकंड लेयर जब क्रिएट हो चुकी है तब मेरे पास दो वॉइड्स मिल रहे हैं मुझे। दो वॉइड्स कौन कौन से, एक वॉइड तो वो जो पहले वाला लोअर ट्रायंगुलर वॉइड था वो एक खाली है, वहां पे मैं एटम रख सकता हूं जो पहले वाली लेयर का लोअर ट्रायंगुलर वॉइड था अभी वो खाली है, मैं वहां पे एक एटम रख सकता हूं, एक ऑप्शन तो ये। और दूसरा ऑप्शन ये जो दूसरी लेयर के ट्रायंगुलर वॉइड से क्रिएट हुआ है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है।
अगर मैं पहले वाले ऑप्शन को चूज करता हूं, जो पहले लोअर ट्रायंगुलर वॉइड खाली रह गया था, मैं वहां पे अगर एटम रखता हूं तो मामला अलग होगा, और अगर मैं जो दूसरी लेयर के नए ट्रायंगुलर वॉइड बना है ये वाला, उस पे एटम रखता हूं तो मामला अलग होगा। कैसे? जो तीसरी लेयर का एटम होगा अगर मैं यहां पे रखता हूं, यहां पे देखो किस पे, जो दूसरी लेयर का नया ट्रायंगुलर वॉइड बना उस पे रखता हूं, तो तीसरी लेयर का एटम और पहली लेयर का एटम सेम क्या होगा, एडजेसेंट होंगे, एक दूसरे के ऊपर होंगे ना। अगर मैं तीसरी लेयर का एटम ट्रायंगुलर वॉइड जो नया बना है दूसरी लेयर की वजह से उसके ऊपर रखता हूं, तो तीसरी लेयर का एटम पहली लेयर के एटम के जस्ट ऊपर होगा। ये बात गहरी है और इमेजिनेशन वाली है, आपको समझ में आई क्या? आनी चाहिए समझ में बिल्कुल। अगर आप मेरी बात को एक एक बात को ध्यान से सुन रहे हो तो ये बात समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। मैं यहां पे ट्रायंगुलर वॉइड फर्स्ट लेयर का एटम और थर्ड लेयर का एटम क्या एक दूसरे के ऊपर नीचे है, तो एक तो ये अरेंजमेंट हो गया है ना। पहला ऑप्शन क्या आया, मैंने फर्स्ट लेयर का एटम, जो फर्स्ट लेयर का एटम है और थर्ड लेयर का एटम क्या एक दूसरे के ऊपर नीचे हो गए, तो पहली लेयर को अगर मैं ए बोलूं तो दूसरी लेयर हो गई बी, और तीसरी लेयर क्या हो जाएगी, वापस ए टाइप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहली लेयर और थर्ड लेयर का एटम क्या एक दूसरे के ऊपर है। एक तो ऑप्शन ये है मेरे पास, लेकिन मैं इस वॉइड पे अगर तीसरा एटम रखता हूं तो मेरे पास क्या होगा, ये तीसरा एटम एक नई तरह की लेयर का निर्माण करेगा। इस तीसरे लेयर के एटम के नीचे कोई एटम नहीं होगा, इसको मैं सी टाइप ऑफ लेयर बोल दूंगा। तो दूसरा ऑप्शन जो होगा, दूसरे ऑप्शन को मैं अगर एक्सप्लोर करता हूं तो अब मुझे जो टाइप ऑफ पैकिंग मिलेगा, पहली लेयर को मैं ए बोलूं दूसरी को बी, तो तीसरा हो जाएगा सी। तो दूसरा ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा ए बी सी ए बी सी ए बी सी टाइप। पहला ऑप्शन क्या होगा, ए बी ए बी ए बी टाइप। तो पहला ऑप्शन है हमारा ए बी ए बी टाइप, कब, जब हम दूसरी लेयर के ऊपर एटम इस तरह से रख रहे हैं कि वो फर्स्ट लेयर के ऊपर हो। तो मैं मान लो यहां पे रख रहा हूं ऑरेंज वाला एटम, कहां पे रखा मैंने, थर्ड लेयर को रखा मैंने यहां पे, यहां पे रखा। तो थर्ड लेयर देखो ऑरेंज वाली जो एटम्स हैं वो फर्स्ट लेयर के जस्ट ऊपर आ जाएंगे। तो फर्स्ट लेयर को अगर मैं ए नाम दूं, मान लो फर्स्ट लेयर को मैंने नाम दिया ए, सेकंड लेयर को नाम दिया मैंने कोई बी, तो थर्ड लेयर क्योंकि ए के जैसी ही है तो उसको मैं क्या नाम दूंगा, वापस ए नाम दूंगा। तो ये कैसा अरेंजमेंट हो गया, ए बी टाइप का अरेंजमेंट हो गया। यहाँ पे देखो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है डायग्राम, इसलिए मैंने आपको बोला था आप कॉपी में बनाओ, आप कॉपी में बनाओगे तब आपको समझ में आएगा। तो इस तरह का अरेंजमेंट क्या आया, ए बी ए बी ए बी, इस तरह का अरेंजमेंट आया। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, ए बी ए बी टाइप, ए बी ए बी टाइप, इसको हम ए बी टाइप क्लोज पैकिंग बोलते हैं। अब समझ में आया कि आपको कि ए बी टाइप क्यों बोलते हैं, ए फिर बी फिर वापस ए फिर बी फिर वापस ए फिर ए बी, तो इस तरह से इस वजह से ए बी टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग बोला जाता है। बड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम हो गया है, लेकिन अगर आपने एक किस टाइप को ध्यान से सुना है तो आपको समझ में आ जाएगा ये। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा हेक्सागोनल टू डी क्लोज पैकिंग में वो है ए बी टाइप। और दूसरा ऑप्शन क्या होगा, जब मैं यहाँ पे एटम रखता, जो ट्रायंगुलर वॉइड मेरा पहला खाली रह गया था, तब कौन सा ऑप्शन बनता मेरा, ए बी सी टाइप। इस टाइप को हम HCP बोलते हैं, इस टाइप को HCP बोला जाता है। HCP क्यों बोलते हैं, HCP का फुल फॉर्म है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसे HCP नाम दिया जाता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये ABAB टाइप है। और जो दूसरा टाइप होगा हमारा, दूसरा टाइप वो होगा हमारा ABC टाइप, मैं उसको भी बना देता हूं, उसको भी ध्यान से सुनना, ABC टाइप। इसे हम देते हैं CCP नाम, CCP नाम होता है इसका, CCP यानी कि क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, इसका नाम होता है क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, इसकी फुल फॉर्म ऐसी होती है। जिस तरह से मैंने ABAB टाइप का बनाया वैसे ही मैं यहां पे आपको ABC टाइप का भी बना के बता देता हूं। ABC टाइप में क्या होगा, देखो ये भी ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैं हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग बना लेता हूं, ये बनाया मैंने सबसे पहले हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग। ये हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग हो गया। इसके ऊपर मैंने सेकंड लेयर के आइटम रखे अपर ट्रायंगुलर वॉइड पे,
अपर ट्राइंगुलर वॉइड पे मैंने सेकेंड लेयर के आइटम रखे ऐसे। अब थर्ड लेयर के आइटम मैं कहां रखने वाला हूं इस बार, जो हमारा लोअर ट्राइंगुलर वॉइड पहली लेयर में खाली रह गया था वहां पे, देखो यहां पे रखने वाला हूं। ये थर्ड लेयर जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर से। थर्ड लेयर का आइटम इस बार क्या है, फर्स्ट लेयर के ऊपर नहीं है, फर्स्ट लेयर हो गया ए, फिर बी, और तीसरा लेयर क्या हो गया, सी टाइप का हो गया। अगर मैं इसको ए नाम दूं, सेकंड लेयर को मैं बी नाम दूं, तो थर्ड लेयर क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पे सी टाइप की हो जाएगी। सी लेयर के जो एटम्स हैं वो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर को कॉइंसाइड नहीं कर रहे। अब ए बी सी बन गया, अब सी के बाद वापस जो एटम रखूंगा वो कैसा होगा, वो फर्स्ट लेयर से कॉइंसाइड कर रहा होगा, तो उसको क्या बोल दूंगा, ए बोल दूंगा। तो ए बी सी फिर ए बी सी फिर ए बी सी, तो ए बी सी ए बी सी पैटर्न में क्या चलता रहेगा आगे तक हमारे जो लेयर का फॉर्मेशन है वो चलता रहेगा। तो इस वजह से इसे ए बी सी टाइप क्लोज पैकिंग बोलते हैं, और इसका जो एक शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है सीसीपी, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग होता है सीसीपी। सीसीपी का टाइप क्या है, एबीसी एबीसी, और इसका एक शॉर्ट नेम होता है एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और इसका पैटर्न कैसा होता है, एबी 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 टाइप का होता है। इसमें ए बी ए बी ए बी इस तरह चलता है, और वहां पे ए बी सी फिर ए बी सी फिर ए बी सी, तो ये ए बी सी टाइप का है, इसको सीसीपी बोला जाता है। तो यहां पे आपको क्लियर हुआ, इसको ध्यान से समझिए, अपनी कॉपी में बनाइए। अगर आपके पास कोई कड़ा वगैरह हो तो उसको लेके आप बनाना घर पे, उससे आपको और अच्छी क्लियरेंस आएगी कि एक्चुअल में ये है क्या, एचसीपी क्या है और सीसीपी क्या है। ये बात समझ में आएगी आपके, बताओ। ओके, किसी को डाउट है इसमें, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, कोई भी आपको स्टेप समझ में नहीं आया, अपर ट्राइंगुलर वॉइड, लोअर ट्राइंगुलर वॉइड, और किसी तरह का वॉइड यहां पे, थर्ड लेयर, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, जो मैं इतनी चीजें बोल रहा था, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप पूछ सकते हो, कोई डाउट किसी को। एक बार आप एनसीईआरटी की थ्योरी जरूर पढ़ना, वहां पे इसके ब्यूटीफुल डायग्राम दिए हैं इन दोनों के, एचसीपी के और सीसीपी के, तो वहां से आपको और अच्छा क्लियरेंस मिलेगा। कोई डाउट हो किसी को भी, नो डाउट, क्या बात है, बढ़िया। इतने कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स को भी अगर आप अच्छे से समझ पाए हो तो आप बहुत अच्छा समझ रहे हो, आपका माइंड बहुत शार्प है, क्योंकि डायग्राम्स बड़े कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, और यहां पे तो मैं खुद देख रहा हूं बड़े कॉम्प्लेक्स है, फिर वीडियो के अंदर गए आपके मोबाइल तक आए तो कितने और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुके होंगे, तो मैं ये इमेजिन कर सकता हूं, और फिर भी आप सीख पाए हो तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए, बहुत अच्छा सीखा है आपने, इसका मतलब आपका माइंड बहुत ज्यादा अलर्ट है और अटेंटिव है, और आपने पूरा अटेंटिव होकर इन दोनों को पढ़ा, एचसीपी को और सीसीपी को। इस चैप्टर का ये जान है एचसीपी और सीसीपी, और इसी से ही अपन को जो हमारे यूनिट सेल के डिफरेंट टाइप्स है, सिंपल क्यूबिक हो गया, बॉडी सेंटर्ड हो गया, फेस सेंटर्ड हो गया, यहीं पे हम देखेंगे। यहाँ पे एचसीपी और सीसीपी आपके क्लियर हो गया, तो अब हम एफसीसी जो क्या होता है उसे भी हम कल वाले लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इस चीज को आप एनसीईआरटी की जो थ्योरी है वहां पे थ्योरी में बड़ा ब्यूटीफुली समझाया गया इन चीजों को, लेकिन क्योंकि सेल्फ स्टडी अगर करें तो ये डायग्राम्स बड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो उस वजह से समझ नहीं आता। लेकिन अगर आप अपने अभी मेरी सारी बातें ध्यान से सुनी है, अब एनसीईआरटी जाके आप देखोगे ना, तो आपको बड़ा मजा आएगा, उस चीज को आप सीखोगे और अच्छे से। ओके, बढ़िया, नो कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो वीडियो को लाइक कर दो, जो जो भी लेक्चर देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे, कल मैं एचसीपी और सीसीपी के बारे में और जानकारी दूंगा आपको। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, कल तो अपना वैसे ऑफ है, सैटरडे संडे दो दिन ऑफ रखते हैं, ताकि लास्ट वाले जो लेक्चर रिकॉर्डेड होते हैं, बहुत सारे लोग लाइव ना आके लास्ट वाले रिकॉर्डेड देखते हैं, तो दो दिन में कवर अप करने का बहुत अच्छा चांस है आपके पास। जो जो भी लाइव ना देख रहा है और रिकॉर्डेड लेक्चर देखता है, तो उसके लिए एक ऑप्शन है कि आप कल और परसों दो दिन सारे लेक्चर वापस देख लीजिए और लाइव में आए। लाइव में बहुत अच्छा एक ऑप्शन हमारे पास, एक अपॉर्चुनिटी होती है अच्छे से चीजों को समझने के लिए। तो लाइव में जितना ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, वो रिकॉर्डेड में नहीं आएगा, रिकॉर्डेड में हमारा फिर ध्यान इधर उधर भटक जाता है, लाइव में हम पूरा अटेंटिव लेके सुनते हैं, पूरा क्लासरूम में जैसा फीलिंग आता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सारे सारे वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी करें, बताएं ठीक है हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में, साइटोन एजुकेशन,
लाइव लेक्चर्स हम लगाते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं अथवा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जुड़े रहिए हमसे, आपको पता ही है साइटोन प्रो प्लान, ठीक है। तो उसके बारे में आज मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, पिछले वाले लेक्चर में बता चुका हूं। और नोट्स जो है बहुत ही खूबसूरत बनाइए, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा पढ़ाई में। नोट्स ऐसे रैंडम मत बनाइए, रैंडमली बनाते हैं तो हमारा एक डिसिप्लिन जो है घर पे बन नहीं पाता, हम अनुशासन जो है हमारा वो हो नहीं पाता। देखो ऑफलाइन एजुकेशन होती है तो टीचर जब क्लासरूम में होता है तो कॉपी चेक कर सकते हैं कि भाई तूने कितना किया तूने नहीं किया। तो ऑनलाइन ऑफलाइन जो होता है क्लासरूम एजुकेशन, उसमें तो अपन टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो वो चेक करते रहते हैं, तो उस वजह से आप लोगों का अनुशासन मेंटेन रहता है और सिलेबस जो है अपने पेस में चलता रहता है। अब ऑनलाइन में हमें तो नहीं पता कि आप भाई कैसे लिख रहे हो कैसे नहीं लिख रहे हो, तो अभी आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा, अपने आप को खुद को अनुशासन में रखना पड़ेगा। नोट्स बना रहे हो प्रॉपर, जो हम अगर जो हमारे साइक्लोन प्रो के यूजर्स हैं जिनको हम शीट और डीपीपी दे रहे हैं वो सॉल्व कर रहे हो आप, तो वो सारी चीज़ें आपको एकदम बढ़िया तरीके से जैसे आप ऑफलाइन में मैनेज करते थे वैसे ही आपको ऑनलाइन में मैनेज करनी है। बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और एक पूरी तरह से कमिटेड होके सारे लेक्चर्स को अटेंड करते जाइए, आपको वैसा ही पूरा समझ में आएगा जैसे आपको ऑफलाइन में समझ में आता है। हम एक एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में बारीकी से और आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंड करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है। तो बने रहिए साइटोन एजुकेशन के साथ, थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर यहीं पे मैं फिनिश करता हूँ, अभी थोड़ी देर में बायो का जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा वो शुरू हो जाएगा। तो टाटा, थैंक यू वेरी मच, ओके, ऑल द बेस्ट।